हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरी सर्वाइवल सीरीज़ नहीं है, आई नो दैट। और हाँ गाइस, उस सीरीज़ का भी मेरी चालू है, उसके ऊपर काम। थोड़ा मैं ज़रा बिजी हो गया था अभी, बहुत मेरे बाकी के आगे के भी प्लान्स चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी रिलेटेड, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था और मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो आज के वीडियो में मैं बस एक ऑटोमेटिक डोर कैसे बनाना है वो दिखाने वाला हूँ। नथिंग डिफरेंट। एक्चुअली मैं इसमें वॉइस भी डालने वाला नहीं था गाइस, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, वॉइस डाल ही देते हैं, कोई बात नहीं, इतना क्या होता है। ओके, तो उसके लिए पहले से हम 6x2 का डिग कर लेंगे, 3x2। दो ब्लॉक्स को हमने यहाँ से भी सेम वैसे ही करना है। ओके, इस मैकेनिज्म में गाइस गलती मत करना, अगर इस मैकेनिज्म में गलती हो गई तो फिर आपका डोर वर्क नहीं करेगा। तो रेडस्टोन लगा देना है पाउडर। ओके ओके डन। देखो ये हो गया इस साइड से, और दोनों साइड से इसी तरह से कर देना। फिर यहाँ पे लगेगी एक रेडस्टोन टॉर्च। ये बेड़ा ही सिंपल डोर था, मैंने देखा था, मैं सोच रहा हूँ इसको अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और हाँ गाइस, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ऊपर की तरफ वो जो बेंटन का एड ऑन वाला है, तो गाइस हाँ, मुझे फाइनली बेंटन का एड ऑन वाला मिल चुका है, तो उसके ऊपर भी सीरीज़ आने वाली है। तो तैयार रहिए एक नई और बेहतरीन और एक सीरीज़ देखने के लिए। जल्दी मैं उसके ऊपर भी एक सीरीज डालूंगा फ्यूचर में, मतलब ऑफ कोर्स थोड़े समय बाद। ओके, और वैसे भी वो सीरीज खत्म होने के बाद कुछ तो नया लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना बेंटन के जो मतलब एड ऑन मिला है उसके ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बनाई जाए। मतलब अभी तक तो किसी ने बेंटन सीरीज नहीं बनाई होगी मेरे ख्याल से, तो सोचा कुछ अलग ही कर दिया जाए, इसलिए गाइस उसी के ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ मैं। यहाँ से स्टिकी पिस्टन लगा रहे हैं और इसका थोड़ा सा और ये बस एक यहाँ पे, ताकि जिससे कि दोनों पिस्टन एक्टिवेट हो जाएंगे, बिकॉज नीचे रेड स्टोन है। और पिछली बार मतलब मैं नया भूल गया था ये, सीरियसली। चलो छोड़ो, अभी ये हो गया, मतलब यहाँ पे सिंपली बस हमें ये ब्लॉक लगा देना है, इसको पूरी तरह से कवर कर देना है। रुको गाइस, मैं एक मिनट सिर्फ बारिश बंद करने के बाद में। हाँ तो गाइस, मैं वापस आ गया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेदर क्लियर हो चुका है। तो गाइस याद रखना, गलती से भी देखो ये माइनक्राफ्ट पीए है, मतलब पीसी वाला एड ऑन क्या बोलते हैं उसको, पीसी वाला वर्जन नहीं है, हाँ मतलब जावा एडिशन नहीं है, उसमें आप किधर भी लगा दो ये फिर भी चलता है रेडस्टोन, लेकिन इसमें नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, और मेरे ख्याल से रुको एक मिनट, यहाँ पे नहीं लगा सकते गाइस। अगर यहाँ पे लगा दिया गलती से भी तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और हाँ गाइस, आप लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या, ये तो सेम ही है, मतलब बहुत बार ऐसे डोर्स देखे होंगे ऑटोमेटिक डोर, तो इसमें डिफरेंट क्या है? तो गाइस इसमें डिफरेंट ये है कि मैं आपको इसका लॉक बनाना भी सिखाऊंगा। मतलब बहुत देखा होगा आप लोगों ने बहुत वीडियोज़ में कि अपने दरवाजे के बाहर से मतलब अंदर से या बाहर से लॉक कर देते हैं लोग, तो फिर वो कैसे काम करता है। तो गाइस देखो, अभी मैंने बाकी के वीडियोज़ नहीं देखी, ये लॉक मैंने खुद से इन्वेंट करने की कोशिश की है, तो इसलिए ये देखो गाइस, यस कुछ इस तरह से ये ऐसे खोल के ये बन गया अपना ऑटोमेटिक डोर। अगर इसको मैं कवर कर दूँ तो ये बिल्कुल भी लगेगा भी नहीं है, इसके पीछे का मैकेनिज्म दिखेगा भी। ये देखो, ये मुझे ना बहुत ही पसंद है, मतलब सिंपल सोबर एंड इजी डोर मैकेनिज्म है। और अब इसको लॉक करने की तकनीक सिखाता हूँ, इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा अंडरग्राउंड।
अंडरग्राउंड होने के लिए यहाँ से मैं दो ब्लॉग डिग कर लेने गाइज, ये टेम्पररी मतलब टेम्पररी होने वाले ब्लॉग्स डिगिंग, थोड़ा एक गहरा गड्ढा खोद लेना क्योंकि क्या है आप लोगों को मतलब पता ही होगा, हम लोगों को खड़ा होने के लिए दो ब्लॉक लगते हैं, तो इतना ऊंचा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है गाइज। उसके बाद कुछ इस तरह से हमें खोद लेना। तो अब देखो यहाँ से ना अंदाजा ले लेना, इसको मैं पहले चाहिए तो कवर कर देता हूँ ताकि मुझे को अंदाज़ आ सके कि मैं बराबर कर पाऊँगी गाइज। इसको कवर करने के बाद मिलता हूँ मैं आपको गाइज, मैं वापस आ चुका हूँ। तो गाइज हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस डोर का ना एक थोड़ा सा नुकसान भी एक तरह से है, मतलब इस डोर को अगर आपको बनाना है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अंदर या बाहर जाने के लिए ना बनाएं, मतलब घर के अंदर बाहर जाने के लिए ना बनाएं जब तक ये आप लॉक यूज़ ना करने वाले हो। अगर लॉक यूज़ करने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉक बनाने के लिए मतलब कैसा है एक्चुअली, जैसे कि मैंने अभी एक ना एनिमल को गलती से मेरा हाथ लग गया तो वो इसके ऊपर चढ़ गया था प्रेशर प्लेट के ऊपर, तो ये ना ओपन हो गया था ऑफकोर्स। तो इस तरह से देखो तो ये मेरा घर का एंट्रेंस है, तो ऐसे कोई भी जॉम्बी वगैरह भी आपके घर में घुस सकता है, और मेरे भी घर में घुसा था वो बादल लग गया तो मैंने उसे मार दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं लॉक बता रहा हूँ। तो ये लॉक मैंने इसी चीज़ के लिए बनाने की कोशिश की थी क्योंकि यही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था, इसलिए बनाया था मैंने लॉक। तो यहाँ से मुझे सिर्फ इसका अंदाज लेंगे क्या करना है मुझे। अरे हाँ एक मिनट रुको, क्या हो गया है, मैंने बहुत दिनों से लॉक ना बनाया नहीं था, इस डोर की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा, तो इसलिए। तो आपको ना गाइस यहाँ से ध्यान रखना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही डीप से करना, वरना आपका जो लॉक है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई करके रखे हैं तो वो तरीके लॉक के काम नहीं करते, मतलब बहुत से तरीके हैं जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बनाने के लिए। तो देखो मेनली क्या करना है, अभी मैं क्रिएटिव में हूँ तो मैंने ग्लास ब्लॉक लेके रखा है, आपको क्रिएटिव से ही ग्लास ब्लॉक लेना पड़ता है, नहीं तो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको सिल्क टच वाला पिकेक्स या कुछ ऐसा हो मतलब शवल वगैरह तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो बता रहा हूँ मैं। तो एक मिनट यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, चाहिए तो ये इसकी शायद ज़रूरत नहीं है मुझे, शायद का पक्का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ग्रास ब्लॉक है, मैं क्यों कर रहा हूँ पागल की तरह, लगता है मेरा मानसिक संतुलन भूल जाएगा इस मजा कर रहा हूँ ना भी नहीं। हाँ देखो गाइस ये लॉक बनाने के लिए ना इतना ध्यान रखो कि आपको यहाँ से देखो एक ना मतलब एक सिंपल लॉक भी बताता हूँ और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉक है वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा आपको। तो देखो गाइस यहाँ पे है ना, ये जो है ना ये चीज़ है इसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करके बराबर ये गैप, तो इसके लिए आपको क्या करना है इस जगह पर एक ब्लॉक लगा देना है। तो अब अगर ऐसे डायरेक्ट ब्लॉक लगाओगे तो आपका तो ये मतलब बंद ही हो गया, काम ही नहीं करेगा बराबर, एक तरह से ही हो जाएगा। ये फिर भी काम कर रहा है, एक मिनट ये कैसे, देखो भाई ये माइनक्राफ्ट ना हर बार मेरी लेता रहता है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक खींचता रहता है मेरा हमेशा, ये कैसे क्यों मतलब चलो बस कोई बात नहीं बस होता रहता है, हर किसी के साथ होता है बस। तो ये है सिंपल ऑटोमेटिक डोर, और बाकी काम आपको बताता हूँ। हाँ गाइस तो लॉक इसका मैंने अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का तोड़ा था, लॉक किया था आई थिंक, कोई बात नहीं गाइज, ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि क्या मुझे वो लॉक याद नहीं आ रहा, एक तो मैंने बहुत दिनों से वो लॉक बनाया नहीं था तो उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, तो बच
बस या मेरा मतलब बस। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज कमेंट कर दिया करो यार, क्या ही जाता है आपका, कुछ नहीं जाता यार, 2 मिनट भी नहीं लगते कमेंट को यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे तो मिनट लगते हैं, वो बात अलग है। गाइज अगर आपको पसंद आया तो सच में लाइक करो। अरे हाँ, और गाइज देखो एक चाहते चाहते एक टिप देता रहे हमें, अगर आपको ग्लास डोर यूज, ठीक है ये हमेशा होता है सब, अगर आप ग्लास डोर बनाना चाहते हो तो ये इस तरह से तो बन जाएगा, आई नो ये ग्लास, लेकिन इसके अंदर का पिस्टन दिख रहा है, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मतलब ताकि वो डोर और भी थोड़ा रियलिस्टिक या सीक्रेट डोर की तरह लगे देखने में, इसको वुड से ढक सकते हो। मतलब अगर आप देखिए गाइस यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये देखिए, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है देखने में, लाजवाब लगता है, ग्लास से स्टाइलिश बनता है, लेकिन इससे ना सीक्रेट डोर जैसा फीलिंग आता है, बिकॉज यहाँ से डोर गायब हो जाता है और तो फिर कोई बीच में जाकर खड़ा होगा तो उसकी तो वाट लग गई, धागे से वो फंसने वाला है नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक में फंस गया और दम घुसने लगा तो क्या होगा गाइस, मज़ा आ जाएगा ना, ट्रैप की तरह भी काम करेगा। हाँ तो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अब सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।